जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और मैंने लास्ट में उसके आप लोगों से कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर भेजा था क्वेश्चन का, वो आपका एक्यूरेट था। ठीक है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट कल वाले क्वेश्चन में था वो आपका 50 था डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब जो हम आज का टॉपिक करेंगे, पहले तो कुछ चीजें डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड, मतलब न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, तो कल मैंने स्ट्रेट लाइन वाली चीजें डिस्कस करी थी, आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन वाले। कौन से वाले? सर्कुलर मोशन की। भाई हम सर्कुलर मोशन में कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखो स्टूडेंट, मान लेते हैं आपके पास कोई भी पॉइंट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई बंदा है, ठीक है, वो आपका ऐसे रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका क्या है बी है, ए से बी। ठीक है, देखो अब यहां पर हम दो चीजें ले रहे हैं, या तो कोई भी बंदा ए से शुरू हो वो बी पर आकर रुक जाए, या फिर वो ए से शुरू हो बी पर आए फिर दोबारा ए पर चला जाए। ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट, जब कोई बंदा ए से शुरू हुआ और वो बी पर पहुंचा फिर दोबारा ए पर, तो वो दो पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस का तो मैंने पहले बताया था कि डिस्टेंस में आपको लॉन्गेस्ट पाथ लेना है और डिस्प्लेसमेंट में आपको शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। ओके, तो जब वो ए से शुरू हुआ बी पर आया, तो एक तो वो मान लेते हैं बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है ए टू बी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है, और दूसरा आपके पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के केस में वो कैसे जाएगा? ए से शुरू होगा और ये पाथ फॉलो करता हुआ आपका बी तक आएगा। ठीक है, तो दोबारा तो ए से शुरू हुआ और ए पर ही उसको आना है, ए पर शुरू से शुरू हुआ उसको ए पर आना है, तो वो आपका पूरा ऐसे पाथ फॉलो करते हुए फिर वो आपको घूम के दोबारा ए पर आएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब वो डिस्टेंस में क्या रहेगा उसका, फिर डिस्टेंस में वो ऐसे चलेगा चलते 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 वो इस पॉइंट से होते हुए बी पॉइंट से होते हुए तो आपको साथ को किस पर आएगा? ए पर आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब वो ए से चला घूमकर दोबारा किस पर आ गया? ए पर। तो कहने का मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। अब एक बात आपको पता ही है कि जब हमें लेंथ फाइंड आउट करना पड़ता है सर्कुलर केस में, तो उस टाइम पे आपको क्या लेना है यहां पर? एरिया ऑफ ये सर्कमफ्रेंस। तो यू हैव टू अप्लाई हियर फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस इन द केस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका सेंटर पॉइंट ओ है और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है? आर है। ठीक है, तो ए से दोबारा ए तक मीन्स ए टू ए डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा आपका? वो डिस्टेंस होगा आपका टू पाई आर। डिस्टेंस क्या होगा आपका? टू पाई आर। क्लियर? और अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के केस में लेते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, तो कहने का मतलब क्या होगा? ए से बी पर जाएगा फिर वापस बी से ए पर आएगा। ठीक है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा न्यूमेरिकल भी करते हैं उससे रिलेटेड, पहले वो ए से बी पर जाएगा, तो कहने का मतलब वो ए से बी पर जाएगा। ठीक है, मतलब ए पॉइंट ए निकालना है ना, पहले ए टू ए फाइंड आउट करना है, ए टू ए। ठीक है ना, अब ए टू ए फाइंड आउट करना है, तो कहने का मतलब क्या है? पहले वो ए से बी पर जाएगा फिर वापस बी से ए पर जाएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या करते हैं? जब वो ए से बी जाएगा तो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में आप क्या लेते हो? प्लस। और जब वापस बी टू ए आएगा तो आप क्या लेते हो? माइनस। तो आपका बी टू ए हो जाएगा, सी एस और नॉट, तो आपका कैंसिल आउट हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा? जीरो निकलेगा। क्या निकलेगा? जीरो। ठीक है, तो कहने का मतलब आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस पे बेस्ड। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मतलब बॉडी है वो आपकी सर्कुलर सर्कल में मूव कर रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं इस सर्कल की जो रेडियस है वो आपकी मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। वैसे बड़ा ले लेते 2 मीटर, चलो मान लेते बड़ी ले लेते हैं, मान लेते 2 मीटर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपके 2 मीटर के मतलब सर्कल की फॉर्म में रोटेट कर रहे हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका कौन सा है? बी है। ठीक है, पहले पॉइंट में आपको सोल्व करना है कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी।
डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और ए टू बी तक की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी ए टू बी और ए टू बी हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लें। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लें तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका कौन सा है, ओ पॉइंट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक फाइंड आउट करना है, ए से बी तक का। तो बंदा आपका ए से बी तक ऐसे स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपको यहां पर ज्वाइन करा दो तो टोटल डिस्टेंस क्या बनेगी आपकी, ए बी। ए बी मीन्स व्हाट, ए ओ प्लस ओ बी। ठीक है, अब सर्कल है, सर्कल में कैसे उसमें रेडियस 2 मीटर दिया है, तो ये पार्ट का रेडियस ही हो गया 2 मीटर। तो अगर ये 2 मीटर है तो दूसरे वाला कितना हो जाएगा अपन 2 मीटर, तो टोटल कितना कवर किया उसने 4 मीटर। कितने डिस्प्लेसमेंट आ गया आपकी 4 मीटर फॉरवर्ड साइड में, ए टू बी है, ए टू बी। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के केस में आपको ये लोवेस्ट पाथ लेना है, ये वाला ए टू बी मींस अ कंप्लीट पाथ डिस्टेंस के केस में। तो डिस्टेंस के केस में वो जब कंप्लीट पाथ कवर करेगा तो जो कंप्लीट ए से पूरा घूम के जब ए पर आएगा तो वो क्या कवर करता है, 2 पाई आर, मतलब कंप्लीट सर्कमफेरेंस। लेकिन अब ए टू बी में कितना है, सिर्फ हाफ, कितना है सिर्फ हाफ। तो हाफ के केस में कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या जाएगा अपन 2 पाई आर, तो ये कितना जाएगा अपने यहां पर आप क्या लेंगे, हाफ से यस और नो। अब आपका कितना आ गया, 2 2 2 कैंसिल आउट, विल गेट हियर पाई आर, से यस और नो। पाई कितना, हाउ मच, 22 डिवाइड बाय 7 और आर इज गिवन हाउ मच, 2 मीटर। तो वी विल गेट हियर 44 बाय 7 मीटर, से यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट। तो ये आपका हाफ के केस में था, ए टू, ए टू बी के केस में। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे कंप्लीट ए टू ए, ए टू ए के लिए फाइंड आउट करो। अब ए टू ए के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, अब ए टू ए वी विल फाइंड आउट, ओके, देन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट आपका ए से शुरू हुआ वापिस आपका ए पर ही आ गया, ऑब्जेक्ट आपका ए से शुरू हुआ और वापिस आपका ऑब्जेक्ट ए पर ही आ गया। ओके, ट्राई करिए स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करें, ए टू ए का आप फाइंड आउट करिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी, वीडियो को पॉज करके, मैं तो करूंगा ही अभी, तो फाइंड आउट करिए स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, डिस्टेंस। डिस्टेंस के केस में कैसे करोगे आप, अब रेडियस आपका 2 मीटर गिवन है, कितना गिवन है 2 मीटर। अब आपको कंप्लीट ए से शुरू हुआ और वापस ए तक ही क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है आपको लोवेस्ट पाथ। ठीक है, तो ये सर्कल की फॉर्म है, तो ये आपका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो सर्कमफेरेंस आपका क्या रहेगा, 2 पाई आर, से यस और नो। तो कैसे करेंगे, 2 इनटू पाई वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7 और इनको हाउ मच, आर इज गिवन हाउ मच, 2 मीटर। तो वी गेट हाउ मच, 88 मीटर डिवाइड बाय 7 मीटर, से यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर ना। अब सेकंड पॉइंट वी विल फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करें, ए से वापस ए पर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है, शॉर्टेस्ट पाथ, कौन सा पाथ फॉलो करें, शॉर्टेस्ट। तो मान लेते हैं आपका ए से शुरू हुआ ऑब्जेक्ट बी पर गया, फिर बी से वापस इस पर आएगा, ए के ऊपर आएगा। ठीक है, जब ए से बी तक गया तो ये 2 मीटर है, तो ये रेडियस में 2 मीटर, तो टोटल कितना डायमीटर हो जाएगा, 4 मीटर। ठीक है, ए से बी तक 4 मीटर गया, तो बी से ए तक कितना हो जाएगा, 4 मीटर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो फाइंड आउट करें डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, मतलब ए से बी तक गया और फिर बी टू ए गया, तो ये आपका प्लस में रहेगा, आपका माइनस में रहेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो दिस इज 4 मीटर और दिस इज माइनस 4 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी हियर 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया मेरा, यहां पर 0 आया। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अंडरस्टूड और नॉट। अब एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत सिंपल रहेगा, मतलब जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे सभी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं ये आपकी कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आपकी ए से शुरू हुई, वो पहले उसने ऐसे सर्कुलर फॉर्म कवर करी, फिर उसने दूसरा सर्कल कवर किया, तो कहने का मतलब हाफ सर्कल। ठीक है, तो ये आपका ए, फिर वो बी पर आई, फिर वो पॉइंट सी पर। ठीक है, मान लेते हैं कि टोटल लेंथ यहां पर
ये आपकी 14 मीटर है, ठीक है, और यहां से यहां तक जो लेंथ है ये कितनी आपकी 14 मीटर है। से यस और नो, अब एक बात सुनो, अब हाफ सर्कल में इसने ये डिस्टेंस कवर करी, हाफ सर्कल में उसने ये डिस्टेंस कवर की, तो इसमें आपको डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्टेंस, और आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, ठीक है। अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के केस में आपको क्या लेना होता है, लॉन्गेस्ट पाथ ए टू बी तक का, ए से सी तक का, ठीक है। तो ए से सी तक की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, मूव करते हुए आपको कंटिन्यूअस मैनर में ऐसे आपका सी पॉइंट पर पहुंचेगा यहां पर, ठीक है। अब ये जब यहां से यहां तक मूव करेगा तो उसने हाफ सर्कल कवर किया, यहां से यहां तक तो उसने नेक्स्ट हाफ सर्कल कवर किया, ठीक है। तो यहां कंप्लीट सर्कमफेरेंस के लिए 2 पाई आर होता है, तो हाफ सर्कल के लिए आपका कितना होगा, पाई आर प्लस इस फर्स्ट के लिए, ठीक है, और सेकंड के लिए कितना रहेगा, उसमें भी क्या रहेगा आपका पाई आर। से यस और नो, से यस और नो, अंडरस्टूड ना। अब हाउ विल यू फाइंड आउट पाई वैल्यूज, हाउ मच, 22/7 into r, r is total 14 cm, diameter है, तो radius कितना हो जाएगा आपका 7 cm, तो you can take this is 7 meter, it is given in meter, तो it will be 7 meter, say yes or no, तो we can say 7 to 7 cancel out, तो we will get here 22 meter, say yes or no, first case में, first में, तो second one we can say plus और this pi how much, 20 divided by 7 into, तो अगेन r इज 14, तो हाफ यू विल टेक, दिस विल बी 7, तो 7 को 7 कैंसिल आउट हियर, तो वी विल गेट 22 प्लस 22 इक्वल टू हाउ मच, 44 मीटर। से यस और नो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास स्ट्रेट है, सीधा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ, बोलो मेरे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 14 इसने यहां पर कवर किया, 14 इसने यहां पर कवर किया, तो 14 प्लस 14 हाउ मच, 28 मीटर, तो दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। से यस और नो, तो यहां पर बहुत छोटी सी चीज से हमने मतलब मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया, अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर ना। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम कुछ दिन बाद यहाँ पर क्विज भी रखेंगे, क्विज, और उसके लिए बहुत अच्छा एक वैल्यूएबल प्राइस भी रहेगा, मतलब बहुत प्राइस देंगे जो मतलब क्विज के अंदर फर्स्ट आएगा, ठीक है ना, तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा सभी स्टूडेंट के लिए, अंडरस्टूड और नॉट। हाँ, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, खुद फाइंड आउट करना है। मैंने क्या लिया, मान लेते हैं आपका ये पॉइंट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से 2 मीटर की डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, यह आपका ए पॉइंट है, ठीक है। अब क्या किया, ये ऑब्जेक्ट चल के इसने ऐसे सर्कल कंप्लीट करके यहां पर ये पूरा 90 डिग्री एंगल पर पहुंच गई, कितने पर पहुंच गई, 90 डिग्री पर, तो ये 2 मीटर है, तो ये लेंथ इधर वाला भी कितने मीटर है, 2 मीटर है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इस केस में डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, दिस पॉइंट वी कैन से बी, क्लियर, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है आपको ए टू बी। से यस और नो, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि हमें ए से बी तक का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है, इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है, मैंने क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, आप देखिए और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, क्लियर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आज हम नई चीज शुरू करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, क्योंकि अब आने वाली सारी चीजें ग्राफ से रिलेटेड है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के केस हम यहाँ पर सारे डिस्कस करेंगे, सभी अगली चीजें ग्राफ से रिलेटेड है, तो आप सभी स्टूडेंट पहले तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको नॉर्मली 2 डायमेंशन का एक्सिस लेना है, मान लेते हैं एक एक्सिस आपका, मान लेते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस है, दूसरे वाला आपका कौन सा एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, क्लियर, एक लाइन आपकी एक्स एक्सिस है, दूसरे वाली लाइन आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमें इन आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस में सभी टाइम के कंसेप्ट में चीजें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, या फिर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हमें कनेक्ट करना है किसके साथ, टाइम के साथ, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास अगला टॉपिक आएगा स्पीड, या फिर आपके पास रहेगा वेलोसिटी,
ठीक है, इसको भी आपको किसके साथ कनेक्ट करना है, टाइम के साथ कनेक्ट करना है, सोल्व करना है ग्राफिकल फॉर्म में। तीसरे वाला आपका कौन सा है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये भी आपका कनेक्ट रहेगा किसके साथ, टाइम के साथ। मतलब आपको ग्राफ सोल्व कर रहे हैं, मतलब वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। अब ये चीजें हमें करनी है। अब जब हम ग्राफ की मतलब चीजें पढ़ते हैं तो हमारे पास इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी कॉमन, वो चीज क्या, आपकी टाइम। सभी केसेस में क्या चीज कॉमन है, टाइम। तो हमारा यहाँ पर एक लिंक बन जाता है, कौन से वाला, देखिए स्टूडेंट कि टाइम है ना, टाइम, टाइम सब में कॉमन है, ठीक है। तो टाइम आपका एक बार कनेक्टेड रहेगा डिस्टेंस के साथ, फिर इसके साथ रहेगा डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ किस किसमें बचे बनेगा आपका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर ये स्पीड है, स्पीड का कनेक्शन फिर टाइम के साथ है, ओके और नॉट ओके। और थर्ड वाला आपका एक्सेलरेशन है, यहाँ पर आप वेलोसिटी भी ले सकते हो, ठीक है ना, जिसमें बताऊंगा भी वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी किसके साथ कनेक्टेड है, फिर टाइम के साथ। तो कहने का मतलब इसमें एक आपकी मेन चीज है, वो चीज आपकी कौन सी है, टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी टाइम पे डिपेंडेंट है, ठीक है, स्पीड वेलोसिटी भी टाइम पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन भी टाइम पे ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक कॉमन चीज है वो टाइम, अगर टाइम सब चीजें टाइम पर डिपेंड करती हैं तो टाइम आपका एक इंडिपेंडेंट टर्म बन जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रही है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब चीजें टाइम की फॉर्म में नोट करी जाती है, ठीक है। तो टाइम की फॉर्म में नोट करी जाएगी, तो जो टाइम है, टाइम आपका एक फ्री वैल्यू है, फ्री क्वांटिटी, इट इज नॉट डिपेंड ऑन एनी अनदर थिंग। वी कैन से डिस्प्लेसमेंट विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वे स्पीड और वेलोसिटी विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस ऑल दिस थिंग्स डिपेंड्स ऑन टाइम कांसेप्ट ओनली, से यस और नो। तो वी कैन से दिस टाइम विल बी इंडिपेंडेंट, व्हाट, इंडिपेंडेंट, से यस और नो, इट विल बी इंडिपेंडेंट। और ये जो अदर चीजें बनेगी ये आपकी क्या बनेगी, डिपेंडेंट, से यस और नो। तो ये सब चीज आपकी क्या रहेगी, डिपेंडेंट रहेगी। ये जो टाइम है ये आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और ये चीज आपकी कैसी हो जाएगी, ये टाइम आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा और ये सब चीज आपकी क्या होगी, डिपेंडेंट होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब एक चीज हमें क्लियर होगी कि टाइम हमेशा फ्री रहता है, टाइम किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, से यस और नो। अब टाइम किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, तो अब हम ग्राफ में किस साइड में टाइम लेंगे और किस साइड में हम ये अदर थ्री फैक्टर्स लेंगे, ठीक है ना। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के केस में यहां पर देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, से यस और नो, ये हमारा कौन सा है, वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब एक बात सुनिए स्टूडेंट, तो जो आपका इंडिपेंडेंट, जो आपका एक्स एक्सिस वाला होता है ना, ये इंडिपेंडेंट लाइन होती है, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं करती। अब हमारा इंडिपेंडेंट क्या है, टाइम, तो आप हमेशा इस लाइन के ऊपर क्या लोगे, टाइम, क्लियर। तो ये जो y एक्सिस वाली लाइन है, इसके ऊपर आप दूसरी चीजें ले सकते हो, इस पे आप डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हो, डिस्टेंस भी ले सकते हो, ठीक है, वेलोसिटी भी ले सकते हो, एक्सेलरेशन भी ले सकते हो और स्पीड। तो ये सब चीजें डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, टाइम के ऊपर, ठीक है। तो टाइम आप हमेशा एक्स एक्सिस पे लोगे, क्योंकि टाइम आपका इंडिपेंडेंट है। आपकी लाइफ में कोई मान लेते हैं आपके पास, एक आपके पास पी है, दूसरा आपके पास आर है, मान लेते हैं ये आपका डिपेंडेंट है, ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस होता है, वैसे तो आपकी चॉइस है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कोई रोल नहीं इसमें, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्म लेने के लिए ग्राफिकल फॉर्म में, तो आपको हमेशा जो इंडिपेंडेंट चीज है वो आपको हमेशा एक्स पर ही दिखानी है। तो मतलब यहां पर आर आपका इंडिपेंडेंट है, तो यहां पर आप आर लिखोगे, ठीक है। तो वाई एक्सिस आपका डिपेंडेंट है, तो यहां पर आप डिपेंडेंट वाली चीजें ड्रॉ करोगे, तो इनके बीच में जो भी ग्राफ आएगा वो आप यहां पर लिखोगे, से यस और नो। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है क्या, ठीक है ना, वो मैं बता देता हूं। इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को देखिए स्टूडेंट्स क्या मीनिंग होता है, ठीक है। देखो मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, मैंने ये चीज लिखी है। अब एक बात सुनो, जो वाई है वो इस x प्लस वन पे डिपेंड करता है। अगर मैं इस यहाँ पर x की वैल्यू मुझे मिलती चली जाए तो मैं y की वैल्यू ले सकता हूँ। अब x की वैल्यू मैं फ्री हूँ, मैं कुछ भी ले लूँ, तो मैं जो भी वैल्यू x की यहाँ पर रखूंगा ना, तो उसके हिसाब से मुझे y की वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। मान लेते हैं x मैंने 1 ले लिया, तो पक्का मुझे y कितना मिलेगा,
वाई मुझे टू ही मिलेगा। तो कहने का मतलब अगर वन ले रहा हूं ना एक्स तो वाई मुझे टू मिल रहा है। तो कहने का मतलब एक्स मेरा क्या है फ्री, फ्री का मतलब क्या है इंडिपेंडेंट, इसकी मर्जी है एक्स कुछ मर्जी है वैल्यू ले ले, ये हमारे पर डिपेंड एक्स के हमको जो मर्जी वैल्यू ले ले। लेकिन एक्स की जो वैल्यू इनपुट करेंगे ना उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा वाई, तो वाई कैसा बन जाएगा डिपेंडेंट बन जाएगा। से सो नो तो अब वाई डिपेंडेंट बनेगा। अब एक बात सुनिए स्टूडेंट, तो यहां पर क्या करोगे जो चीज इंडिपेंडेंट होती है फ्री होती है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जिसकी वैल्यू कुछ मर्जी ले लो इंडिपेंडेंट होती है जो चीज फ्री वो आपको एक्स एक्सिस के एलोंग लेनी है और जो चीज डिपेंडेंट होती है उसको आपको वाई एक्सिस के एलोंग लेना है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका इंडिपेंडेंट ये आपका डिपेंडेंट। तो जब आप खुद भी सोच सकते हो ना टाइम, टाइम किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, टाइम हमेशा वेरिएबल होता है। मैं एक जगह खड़ा हूं तब भी टाइम चलेगा, मैं भाग रहा हूं तब भी टाइम चलेगा, मैं कूद रहा हूं तब भी टाइम चलेगा, मतलब टाइम हमेशा बदलता रहेगा। ठीक है ना, टाइम किसी चीज का वेट नहीं करता, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। से यस और नो, आप पढ़ोगे तब भी टाइम निकलेगा, नहीं पढ़ोगे तब भी टाइम निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने काम करना बंद कर दिया तो टाइम भी रुक गया, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। और टाइम को हम ज्यादा से मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम जो इंडिपेंडेंट चीजें होती है वो हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, और बाकी सब चीजें करेंगे आपकी वाई एक्सिस पे, बाकी वो आप पे डिपेंड है। आप किसी को भी, आप इसको इंडिपेंडेंट ले लो, इसको डिपेंडेंट ले लो, वो तो आपकी चॉइस है, आप जिस मर्जी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं प्रॉपर फिजिक्स फॉर्म की बात कर रहा हूँ, जब आपको एक पर्टिकुलर फिक्स रिजल्ट चाहिए होता है तो इंडिपेंडेंट चीजें जो अपने आप से वैल्यू लेती हैं उनको आपको एक्स पे लेना है, बाकी जो चीजें एक्स वैल्यू लेने के बाद आती है वो आप कहाँ पर लोगे वाई एक्सिस पर लोगे। से यस और नो, तो आपको मैंने दो तीन चीजें बताई, तो ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। अब हमारा जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है आज, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बच्चों ध्यान से सुनते चले जाना, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक आपको कौन सा है, स्पीड, क्या आपका स्पीड। से यस और नो, स्पीड के बाद मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड के अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमने पॉइंट उठा लिया, ये स्पीड का पॉइंट उठाया हम, क्या 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 इसके अंदर कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले तो स्पीड का बेसिक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा रहेगा आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा रहेगा आपका एवरेज स्पीड, ठीक है ना, ये आपकी दो तीन टर्म आती है यहां पर, ये सब चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं सब चीजें यहां पर बताऊंगा कि आपकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, और उसके बाद हम एवरेज स्पीड के कंसेप्ट में कौन सी चीजें इंक्लूड करेंगे। से यस और नो, तो अब हम स्पीड के कंसेप्ट से शुरू करते हैं, कौन से टॉपिक से शुरू करते हैं, स्पीड वाले टॉपिक से, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करेंगे, उस वीडियो में आप लोगों से स्पीड के तीनों फॉर्म डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।